रुपए में गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियामक उपायों की घोषणा की है। बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने आज रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की। समाचारों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिए लघु और मध्यम मौसम का आज साय अचानक हुआ परिवर्तन घोषणा की। श्री दास ने ये भी घोषणा की कि बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि 90 दिन तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा रियल एस्टेट कंपनी को दिए गए ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लाभ के समान लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन उपायों से बाजार नकदी का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी, बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी, वित्तीय दबाव कम होगा और बाजारों का औपचारिक संचालन हो सकेगा। श्री दास ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत की विकास दर G20 देशों में सबसे अधिक रहने की आशा है। उन्होंने कहा कि मानसून पूर्व खरीफ बुआई काफी अच्छी हुई है और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है। करीब 7:15 अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की घोषणाओं से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों, अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया और चालू वित्तीय वर्ष के पहले पखवाड़े के लिए जारी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ग्रामीण विकास से संबंधित सभी प्रमुख कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए कारगर ढंग से काम फिर शुरू करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि सिंचाई और जल संरक्षण से संबंधित टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। श्री तोमर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि स्वयं सहायता समूहों के 93,000 सदस्य सूती मास्क बनाने और सैनिटाइजर के निर्माण में लगे हुए हैं। ये सदस्य देश भर में सामुदायिक रसोई में भी योगदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक पत्रिका में छपी उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने से पहले COVID-19 पर गठित 21 सदस्यीय वैज्ञानिक कार्यबल से संपर्क नहीं किया था। ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इसे फर्जी बताते हुए कहा है कि इस कार्यबल से सलाह करने के बाद ही निर्णय लिया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि इस कार्यबल के साथ पिछले माह 14 बार बैठक हुई है और निर्णय लेने में कार्यबल के सभी सदस्य शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पैरासिटामोल से बनी औषधियों के निर्यात पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी है। इसमें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी शामिल है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने आज इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.inic.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि वो प्रवासी कामगारों और विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के लिए सुरक्षा, आश्रय और खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने का समुचित प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को प्रवासी श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर निगरानी और समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के कारण राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम संचालन की उत्तम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आगामी 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करते हुए सभी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में संक्रमण से
सुरक्षा के उपकरण निर्धारित गुणवत्ता और मानक के होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगामी रमजान में आवश्यक सामग्री की सुचारू उपलब्धता के प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अन्य प्रदेशों के अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए जनपद पर एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। सूचना और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि लॉकडाउन के दौरान अब तक राज्य में 3,23,00,000 कार्ड धारकों को राशन वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 21,00,000 श्रमिकों को 1,1,000 रुपए से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिसका व्यय भार 210 करोड़ रुपए है। श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में 73 नए केस मिलने के बाद अब कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 846 हो गई है। उन्होंने बताया कि 49 जनपद कोरोना से प्रभावित हैं। कुल संक्रमितों में से 74 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि 3 जनपदों पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज में कोई नया कोरोना संक्रमित केस नहीं मिला है। ये कोरोना विसंक्रमित जनपद हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना की पूल टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और प्रदेश कोरोना की पूल टेस्टिंग वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में कई शहरों के मौलानाओं ने मुसलमानों से लॉकडाउन का पालन करने और नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा न होने की अपील की है। मौलानाओं ने कहा है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही रहना चाहिए। लखनऊ के जाने माने मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी ऐसी ही अपील की है। मैं खालिद रशीद फरंगी महली लखनऊ की सरजमीन से आप हजरात को ये पैगाम दे रहा हूँ। हमारे मुल्क में भी इस बीमारी की आमद दर्ज हो चुकी है। इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम का ये बुनियादी फर्ज है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके खिलाफ जंग करें। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस जंग के खिलाफ अहम स्टेप्स उठाए हैं। इस वक्त हम सबका भी यही फर्ज है कि लॉकडाउन के तहत की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उस पर पूरी तरीके से अमल करते हुए अपने घरों ही में रहें। चित्रकूट जनपद में जामा मस्जिद के पेशे इमाम मौलाना उबैद अली ने भी लोगों से अपने अपने घरों पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी फैली हुई है, आप तमामी हजरात से ये इल्तिजा है कि इस मुल्क में हुकूमत का साथ दें और जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन पे अमल करते हुए अपने अपने घरों में ही इबादत करें और ये दुआ करें कि मौला ताला हमें इस कोरोना वायरस जैसे। किसानों के लिए ये कीमती समय है, वो कटाई और मड़ाई के लिए बाहर निकलते समय कोरोना से सुरक्षा के उपाय अवश्य अपनाएं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालय और अधिकारी किसी भी कार्य के लिए जूम ऐप का उपयोग नहीं करेंगे। मंत्रालय ने परामर्श जारी कर इस प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रति आगाह किया है। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक संकट को कम करने और नकदी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई उपायों की घोषणा की। रिवर्स रेपो रेट 25 आधार अंक घटाकर 3.75% किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के नकदी और ऋण सुविधा बढ़ाने के उपायों की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लॉकडाउन के कारण राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। प्रशासन को कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम की उत्तम व्यवस्था के दिए निर्देश। और प्रदेश कोरोना की पूल टेस्टिंग वाला बना देश का पहला राज्य। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हुई 846। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे आकाशवाणी से समाचार और समाचारों के साथ आपने दृश्यावलोकन करते हुए मथुरा को भी देखा कि मथुरा के कैसे समाचार हैं। मथुरा में आज सायं अचानक
आंधी आई और उस आंधी से एक बार तो ऐसा लगा कि मौसम कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए क्योंकि बादल भी घिर आए, लेकिन ये आंधी थोड़ी देर की थी, उसके बाद में ये थम गई और इसी तरह की आंधी इस समय पूरे विश्व में चल रही है। उस आंधी का सामना करना है सभी को और डरना नहीं है। जिस तरह से ये आंधी आपने देखी आई और चली गई, इसी तरह से ये जो कोरोना है ये भी चला जाएगा और अपने साथ ये क्या ले जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि अपनी इस पावन धरा को भोलेनाथ बचाएंगे, कृष्ण कन्हैया दाज रखेंगे और सब लोग सुखी होंगे, फिर से हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी। छुटपुटा वक्त है, ये गुजर जाएगा। जीवन के समंदर में तूफान तो आते हैं, जो प्रभु के भरोसे हैं प्रभु आप बचाते हैं। और अब आप जो ये दृश्यावलोकन कर रहे हैं ये मथुरा के धौली प्याऊ क्षेत्र का है और इससे पूर्व आप हाईवे देख रहे थे। हाईवे पर भी वाहन बिल्कुल नगण्य नज़र आ रहे थे, बल्कि ये कहें कि नहीं नज़र आ रहे थे तो ज़्यादा सही होगा। शहरी क्षेत्रों में ज़रूर सायंकाल होने के कारण लोग खाना पीना खाकर कुछ टहलते और कुछ दूध आदि सामान लेने के लिए बाहर निकले नजर आए। और ये देखिए ये दामोदरपुरा क्षेत्र बोले इसको या औरंगाबाद, दोनों पास पास नहीं है। श्याम जी दोनों क्षेत्रों तो आप देख सकते हैं और अब वेटरिनरी का क्षेत्र शुरू होने वाला है।
कांधोली प्याऊ वाला फाटक, कितनी भीड़ रहा करती थी यहां पर। खाली सड़कों पर सड़कों की पोल खुल रही है, ये देखिए। ये हाईवे से धौली प्याऊ क्षेत्र में आने वाली सड़क है।